नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े करनाल की भगवती कॉलोनी में। आपको बता दें, भगवती कॉलोनी जो है ढलानपुर रोड पर जो है बुड्ढा खेड़ा के पास जो है ओपीएस स्कूल के पास पड़ती है। और यहां पर लोगों की जो इस कॉलोनी में समस्या है वो सीवरेज की समस्या को लेकर है। और समस्या उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं, लोगों ने कई सालों से यहाँ घर बना रखे हैं, और पूरी बात करते हैं कि आखिर सीवरेज को लेकर उनकी समस्या है क्या। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार सैनी जी। तो बताइए क्या समस्या है आपकी, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर 3 साल पहले हमने यहाँ पर मकान बनाया, और 3 साल पहले हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के पानी का निकासी का इस नाले में डाल दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, हम 3 साल से आराम से रह रहे हैं, सब लोग कॉलोनी वासी आराम से रह रहे हैं, और जितने भी यहाँ कॉलोनी वासी हैं सभी शांति प्रिय लोग हैं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, आपके घर के आसपास सफाई रखते हैं, सब काम रखते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये किसी ने किसी की शिकायत पे नाला बंद करवा दिया। आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से जेसीबी बुला करके इसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और ये कोई गोयल साहब हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया है, उसकी कंप्लेंट पे ये सब कुछ हुआ है। और हमने इसके बारे में मैडम मेयर से के पास भी गए, हम रेणु बाला गुप्ता के पास, उनको हमने अपनी शिकायत रखी, उन्होंने हमें यही बोला कि आप गोयल सर से जाके मिलो। कौन है गोयल सर? गोयल सर, हमें पता नहीं, कोई चक्की लगा रखी है यहाँ पर, उसी नाले के ऊपर उनका मकान भी आगे जाके है। गोयल कौन है? ये कुंजपुरा रोड के पास यहाँ पर इनका अपना चक्की का काम है, चक्की लगा रखी है उन्होंने। और कोई बताते हैं कि वो मेयर साहब के खास आदमी है, तो इसलिए उनको अपने पावर का इस्तेमाल करके इसको नाले को जगह जगह से ब्लॉकेज करा दिया। तो यानी जो ये नाला है, आपको तस्वीरों में एक बार दिखा देंगे, ये जो नाला है ये इसके अंदर जो है पूरी को कॉलोनी है, इसके अलावा साथ में और भी जो है इलाके पड़ते हैं उनका, जितना भी जो यहाँ पर सीवरेज का जितना भी जो जाता है पानी, सब इसी में से होकर जाता है। और अब जो है आगे आपको दिख रहा होगा, उसे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। आपको तस्वीरों के अंदर जो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा कर जो है इसे रोक दिया है, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया है, मक्खियाँ मच्छर यहाँ पर, और इसके अलावा कई तरह की आपको पता बीमारियाँ जो हैं इस समय चल रही हैं। और अब जो है यहाँ पर लोगों की समस्या सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर जो पानी है इसे रोक दिया गया, इसके अलावा जो इलाका है, तो इसके अलावा आपकी जो निकासी है वो कौन सी है जो आपके यहाँ इलाके से आती है? हमारे इलाके की तो यही आती है, इसमें डाल रखी है। एक बार हाँ दिखाएंगे, आइए प्लीज। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इनके इलाके की जो अलग से निकासी जो है पानी की आती है सीवरेज की, और यहाँ पर यहीं पर बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब कैसे यहाँ से आती है आपकी निकासी? हमने यहाँ पर पाइप डाला हुआ था, लेकिन उस दिन आ गए उन्होंने, उन लोगों ने जेसीबी ला के पूरे पाइप को तोड़ के इसमें मिट्टी भर गए, ईंटें भर गए, पूरा ब्लॉक हो गया। ये तो अपना आप ही चला है, फिर बाद में जब पानी का पैसे पिसाया थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ। और हमने क्या है, अभी पूरे जितने भी यहाँ पर कॉलोनी वासी है सब लोगों ने पानी यूज करना बंद कर रखा है। जिसको पानी कपड़े धो रहा है, कुछ कर रहा है, वो पानी बाहर ही फेंक रहा है। अभी केवल इसको तो बाथरूम के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी किसी यूज में नहीं आ रहा, इसलिए पानी का थोड़ा सही हुआ, नहीं तो पीछे बैक मारना शुरू कर गए थे सभी के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी हमें, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी पानी को कम से कम यूज किया जाए, और जो भी कपड़ा धोना है कुछ भी करना है वो पानी अपने आसपास ही वहीं पर फेंक दिया, प्लॉट में या कुछ, जिस काफ़ी लोगों ने सब्जी लगा रखी है तो उसमें डाल देते हैं, तो इस तरह से किया गया इसको। और इसमें खाली हमारा पानी नहीं आ रहा है इस नाले के अंदर, पिछले 2-3 गांव का आ रहा है, आसपास जितनी एक दो फैक्ट्री है उनका पानी आ रहा है, उसके अलावा फिर यहाँ पर जो कॉलोनी आसपास में जो लोग रह रहे हैं सबके सीवरेज के पाइप इसमें आ रहे हैं। केवल प्रॉब्लम हमारे से ही है कि हमारा पाइप यहाँ तोड़ दिया गया और उसमें पानी को रोक दिया गया। अगर बंद होना है या कुछ भी होना है तो सबके लिए एक होना चाहिए, ये थोड़ा कि कुछ लोगों के लिए अलग कानून है, दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। यहाँ पर एक बार आपको तस्वीर दिखा दें, यहाँ से जो पानी है कॉलोनी का वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आता है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा के उसे बंद कर दिया गया है, और वो सारी जो निकासी थी वो इस नाले में जाती थी, और इस नाले को अलग से आगे से बंद कर दिया गया है। और नाम जो ये बता रहे हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम बता रहे हैं जिन्होंने? गोयल साहब हैं कोई। तो आपने जब फिर डीसी साहब से मिले, आपने कोई शिकायत की? हाँ, हम डीसी साहब के पास गए, उस दिन डीसी साहब बिजी थे, उन्होंने एक मैडम बैठी थी विजय मलिक, उनको बोला कि आप उधर अपनी शिकायत दीजिए, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हमने उनको अपने कंप्लेंट दिया, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम जरूर आपका वहाँ पर विद इन 1 वीक आपका कुछ ना कुछ समाधान करा देंगे। हमने मैडम से ये रिक्वेस्ट किया कि मैडम हमें नहीं पता वो क्या है कैसे है, हमें तो अपनी समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। उन्होंने बोला कि हम आश्वासन दिया कि हम कराएंगे, लेकिन अभी तक ना तो कोई उधर से कोई हमारी तरफ कोई आया, ना किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने पूछा। अब हमारा ये प्लान था कि हमारा आज जाने का प्लान था, लेकिन आज करवा चौथ की वजह से हम नहीं जा पा रहे, कल सब लोग हम डी साहब से पास दोबारा फिर जाएंगे। कितने दिन से समस्या चल रही है पानी जो रुका हुआ है? ये पिछले 15 दिन से लगातार है जी।
15 दिन से लगातार जी जी जी, और तब से हम प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे को सुनने वाला नहीं है। तो 15 दिन से पहले जो था इसी तरीके से जो निकाली जाती थी? सेम रेगुलर, पिछले 3 साल से रेगुलर चला हुआ था। कितने साल हो गए घर बनाए? 3 साल हो गए यहाँ पर, 3 साल से रेगुलर सब चला हुआ था, सब लोग 3 साल रहे, कोई अभी आगे हमारे अंकल जी 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, उनका 15 साल से पानी ऐसे चला हुआ है। तो कारण क्या बताया, रोका क्यों है इसको? वो बोलते हैं कि ये इरीगेशन का नाला है और इरीगेशन के नाले में आप गंदा पानी नहीं डाल सकते। हमें नहीं पता भाई कैसा है पहले से, हम तो बाद में आकर रहने लगे, जब यहाँ पर पहले से चल रहा है तो हमने भी डाल दिया। तो मतलब इस तरीके से जैसे आपके लिए कोई निकासी की जगह नहीं रखी, क्या कारण है? कोई जगह अप्रूव्ड है आपकी? नहीं, अभी हमारी अप्रूव नहीं है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है हमारी, लेकिन इस नाले के अंदर ये सबका नाला है और कई गांव का आ रहा है, तो हमने भी डाल दिया, क्या क्या गुनाह कर दिया हमने। तो फिलहाल चाहते क्या हैं आप, मतलब क्या समाधान चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे सीवरेज के पानी का स्थायी समाधान हो जाए और ये जो नाला बंदा लगाया हुआ है ये टूटना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर डेंगू हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे हैं, सब फैमिली रहती है, बुजुर्ग रहते हैं, सब फैल रहा है और बीमारी फैलती जा रही है। इवन मंदिर में वहाँ जाते हैं पूजा नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आता है, पानी खड़ा हो गया एक जगह, पानी खड़ा हो तो बहुत बदबू आ रहा है, उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी, सीएम साहब से भी, कि ये हमारा इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका। तो सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? सर, इनलीगली हमारे को परेशान किया जा रहा है पिछले 3-4 साल से, मतलब जो भी है वो कंटिन्यू चल ही रहा था। मिस्टर गोयल कौन है मैं भी नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बना के उसके बाद हमारे को नेसेसरी परेशान किया जा रहा है। तो ये सबसे कि उनका राइट्स क्या है कि भी ये चलते नाले को बीच में 3-4 बांध लगा के रोक दे, कौन सा राइट्स है सर उनका? पॉलिटिशनी मुद्दा क्या क्या है? पॉलिटिशनी मुद्दा ये है कि सर कि वो एक राजनीतिक तथ्य है, मतलब बंदा है जिसके बीजेपी से है सर, वो गोयल है, मिस्टर गोयल है कोई, चक्की लगा रही और इलीगल अनअप्रूव्ड कॉलोनी उनकी भी है जो जिन्होंने मतलब अपना नाला डाल रखा, सारा सब कुछ कर रखा, उन्होंने भी ऐसे ही कर रखा, हमारा बंद क्यों किया? उनका उनका बेनिफिट क्या है जो नाला बंद करवाया गया? आप नेसेसरी परेशान करना, उनका क्या बेनिफिट है? उनका बेनिफिट बस सर, अब क्या, अब कोई अब बदबू आने लगी, पहले वही बात है सर, पहले तो खुशबू आती थी, अब बदबू आ रही है क्यों? मतलब नेसेसरी, मतलब उसी टाइप से, मतलब वो अपने उस राजनीति का एक पावर का मतलब गलत इस्तेमाल करे सर। मतलब कारण अभी आपको पता नहीं चल पाया है कि क्यों? नहीं सर, पावर अगर पता लगता सर, कोई नोटिस आता या कुछ और होता, उसके बाद कुछ और डिसीजन लेते या कुछ के नोटिस भी होता है कि आपका ये दिक्कत है, ये परेशानी है ना, तो हमारे को क्लियर है कुछ भी, क्यों तो बंद किया, किस लिए बंद किया? सिर्फ हम जो भी है पूछा है, जैसे रेणु बालाजी के पास गए थे हम, वो कह रहे कि भी गोयल सर से मिलो, गोयल सर इतनी ऊँची पोस्ट पर वो बैठे हैं, तो एक आम आदमी जैसे मैं हूँ, क्या कोई अधिकारी है गोयल सर? कोई अधिकारी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन है? कोई पॉलिटिशियन है बस खाली। अच्छा। जैसे एक मेंबर आप हो किसी बीजेपी के या कांग्रेस के या एक्सवाइजेड किसी भी पार्टी के। अच्छा। तो उस वो वर्कर है जी। अच्छा। बीजेपी पार्टी के, वो इस चीज़ का नजरअंदाज उठा रहा है। तो कोई हल नहीं बताया आपको कि कोई MP MLA मतलब कोई किसी तरह से, मतलब कोई डीसी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने फिर मजिस्ट्रेट से हमारे को बोला भी आप दे जाओ, वहाँ से मार करवा के लेके भी आए, अभी IB 24 तो आ जाए हैं, लेकिन अभी हमने अपडेट किया था तो अभी हैं सर, मतलब कंटिन्यू रख रहे हैं, जैसे होगा आपकी तरफ से, मतलब कोई हल नहीं, आपके माध्यम से हम यही, रुका हुआ है गंदा पानी, रुका हुआ सर, पहले चल ही रहा था और आज से 15 दिन पहले भी मतलब चल ही रहा था, 15 दिन पहले मतलब उस टाइप से अपना कोई आया सर, वहाँ पर जाके बात करेंगे, जैसे भी जो भी कल आज जाना था, बाकी कल जाएंगे, जो भी सर आपके माध्यम से जो एक अच्छी रिक्वेस्ट हम डाल रहे हैं, अगर हो सकता तो वेल एंड गुड सर। कॉलोनी में कितने परिवार हैं? कॉलोनी में सर 150 परिवार है, 150 परिवार अगर 150 मकान के पास अगर 4 बंदे अगर एक मकान में, तो सर आप लगा सकते हैं अंदाजा कितना क्या है, 600 लोग कम से मिनिमम यहाँ पर, 600 लोग खड़े, सभी परेशान हैं इसी समस्या से। तो यहाँ पर लेडीज सबसे ज्यादा, लेडीज अब कहते हैं स्वच्छ भारत क्या सर, अब उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, खुले में जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है सर ये तो। और उसके बाद फिर बच्चे हैं सर, फिर डेंगू है, फिर कोरोना है, तो आप चीज़ देख सकते हैं सर, जो प्रेजेंट में चल रही है आपकी।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो नाला है उसको रोक दिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक बीच में जो है रोक लगा दी गई है मिट्टी का ढेर लगा के। इसके अलावा जो कॉलोनी का जो आ रहा है, यहाँ से जो एक पाइप आ रही थी कॉलोनी की, उस पाइप को आगे से ब्लॉक कर दिया अलग से और नाले को अलग से कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 3-4 जगह पर ऐसा किया गया है, पानी आगे जा नहीं रहा है। ये साफ तौर पर इस समय तस्वीरों में आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा पानी है, सारा सीवरेज का पानी है। और प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो ये बरसाती पानी के लिए नाला बना हुआ है, और लेकिन जब जो शिकायतकर्ता जो गोयल, जो नाम बताया जा रहा है गोयल के नाम से, तो उनका इसके अंदर उनका क्या कारण है शिकायत करने का, ये कुछ साफ़ नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है गंदी स्मेल आती है, इस वजह से इसे बंद करवाया गया है। लेकिन जो प्रशासन है वो अभी फ़िलहाल इसके हल के लिए, क्योंकि लोग डीसी साहब से भी मिले, उसके अलावा रेणुबाला जो मेयर हैं करनाल की उनसे भी मिले, तब भी उन्होंने जो है यही कहा है कि आप उन्हीं व्यक्ति से जाकर बात करें, वही आपको इसका हल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी शिकायत ही इस पर हमने जो है कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया है। और अब सभी लोग जो हैं यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से अभी तक कोई हल नहीं निकाला जाएगा तो घरों के अंदर जो पानी है वो बैक मारना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सड़क है, आपको बता दें इलाके की, जहां जहां पर सीवरेज के पॉइंट बने हुए हैं वहां से सड़क की जो ढलान है वो नीचे की तरफ होती जा रही है। सड़क गीली ऊपर से दिख रही है, जो कि तस्वीरों में अभी हमने देखी थी। और यहां पर जो लोग हैं फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि जो इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, या फिलहाल कुछ समय के लिए जो है उन्हें यहाँ पर डालने दिया जाए, उसके बाद कोई और तरीके से जो है निकासी पानी, क्योंकि लोगों को निकासी से मतलब है, लोगों का कहना है कि पहले कई सालों से इसी में डाल थे, लेकिन पिछले 15-20 दिन से जो है ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि भगवती जो कॉलोनी है बूढ़ाखेड़ा के पास पड़ती है, और यहाँ पर जो है लोगों की समस्या ये है सीवरेज की, कि जो सीवरेज जो है बैक मारना शुरू हो गया, क्योंकि जो निकासी के लिए जो ये नाला था इसे यहाँ पर मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया है। और अब सभी लोग जो है मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन है इनका कोई ना कोई हल जो है जरूर निकाले। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से, बताइए। प्रशासन से ये डिमांड है, ये जो नाके लगाए हैं ये खोले जाए ताकि लोग आराम से रह सके। परेशानी आई है, इरीगेशन वाले ने लगवाए, बाकी जेसीबी वगैरह लागे ये अपना नाके लगा दिए, 4 नाके लगाए। तो कहीं ना कहीं जब अब जाने में दिक्कत आ रही है फिलहाल, जैसे लोग दिक्कत तो वॉशरूम वगैरह जाना है परिवार में किसी ने वो तो सभी को दिक्कत आ रही है, सभी को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, और यही मांग कर रहे हैं सभी इलाके के लोग जो एकत्रित हो चुके हैं। और फिलहाल आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा ये रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, डीसी साहब से, मेयर जी से, या हमारे जो एमसी हैं उनसे, कि ये जो हमारे लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बहुत भयानक प्रॉब्लम हो गई, कल यहाँ पर बीमारी फैलने का पूरा खतरा है, कुछ 2-4 लोग बीमार भी हो चुके हैं, इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाए। हम ये नहीं कहते कि हम इसमें डालना है, लेकिन हमारी समस्या कुछ तो समाधान हो ना, हम कहाँ जाएँ अब। 150 परिवार यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, और भी 20-30 जगह मकान का काम चला हुआ है, तो कहाँ जाएंगे लोग अगर ये समस्या रहेगी। तो कहीं ना कहीं जब बिजली की आपको जो है यहाँ सुविधा दी गई, बिजली दिया गया है, रजिस्ट्री हुई है, तो अब आपको ये भी सुविधा तो चाहिए, ये भी सुविधा चाहिए, क्योंकि लोग रह रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग तो जीते हैं, ये कॉलोनी वाले सब शांति प्रिय लोग हैं, उनको ना कोई इनमें कोई दबंगई है ना कुछ है, सब नौकरी पैसे वाले अपना करके खा रहे हैं, सब लोग पूरे शांति प्रिय हैं। और स्वच्छ भारत के पूरे हिस्से में पूरा वो रहे, आप पूरी कॉलोनी में देख लीजिए जहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं, सब लोगों ने अपने आसपास पूरी सफाई रखी हुई है, और कूड़े वाला खुद हमने लगा रखा है, कूड़े वाला हम उसको लेकर उस कूड़ा उठा के यहाँ से देते हैं। तो हमने जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत वाला, उसमें हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, 1% भी हमारा कहीं नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी, या डीसी साहब, एमसी साहब, या सीएम साहब हमारे लिए साथ भी वैसे ही व्यवहार करें जैसा और लोगों के साथ कर रहे हैं। हमें भी एक आदमी की शिकायत पे 150-200 लोगों का उन्होंने परेशान किया है, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उस चीज़ का प्रॉपर समाधान होना चाहिए। तो जो है लोग, जी जी, अगर ये इतनी बड़ी नदी है परली में, सारा 9 सेक्टर का हाल लग रहा है, या तो उसको बंद कराओ या फिर इसको क्यों बंद कराएं जी। पिछले जो पुल से पीछे हैं सारे घर तंग है, जहाँ इतना इतना पानी हो रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है। ये सारी गुंडागर्दी है, बदमाशी है, एक आदमी आकर 10 आदमियों को धमकी देता है, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं नहीं जानता जी कौन है। ये इसी कॉलोनी में रहता है, एक किले का कॉलोनी है, ये 50 घर कॉलोनी ने परेशान करा एक आदमी। ये पता क्या है जी, अगर आदमी कोई शर्मांदा ना बोल लेना, लठ वाले का आदमी काबू हो जाता है, जो आदमी जो कहना उसका ऊपर और सवार होने लग रहे लोग, ये नाका क्या 2 मिनट में तोड़ देंगे हम।
लेकिन यही सोच रहे चलो भाई प्रशासन कुछ न कुछ करे खुल जाए, नहीं तो इसकी क्या हिम्मत है अकेले आदमी के 100 आदमी को 200-600 आदमी को 700-1000 को तंग कर रहा है जी। कहाँ जाएंगे अब, पुल से पीछे चलो आप, आगे ज्यादा ओवर हो रहा है, हम पीछे से। बड़ी बात यह है कि मान लीजिए हमारी कॉलोनी अनप्रूव्ड है, हम मानते हैं चीज को, ये कॉलोनी है सामने ये भी अनप्रूव्ड है, ठीक है जी। मान लीजिए ये जो पानी है इसी पानी से प्रॉब्लम है इनको, आगे जाके देखिए टोटल पानी जो है पूरी कॉलोनी का इसी शिवर में गटर में जाता है, या तो आप उनको ही बंद कीजिए, ठीक। जब आपने हमारे यहाँ रोक लगाई है तो आप उनको ही बंद कीजिए ना। उसमें क्या है कि जो मिस्टर गोयल हैं इन्होंने जो है जगह जो है इस नाले की कुछ अपने कब्जे में ले रखी है, ठीक है जी। उन्होंने वहाँ फ्लोर मिल लगा रखी है, वो जो है गोयल जी हैं जो माल टाउन के MC हैं उनके खास आदमी हैं, मेयर के खास आदमी हैं, ठीक। इस करके प्रशासन उनके सामने कुछ नहीं बोलता, ठीक। परेशानी किसको होती है, आम आदमी को, ठीक। अब हमारे घर के अंदर जाके देख लीजिए आप, पानी जो है बैक मारता है, कल को खुदा ना खास्ता कॉलोनी में कोई महामारी फैल गई तो कौन जवाब देगा, कल को आप ये देखिए कोरोना टाइम चल रहा है, हर लोग क्या है कि अपनी सेफ्टी में साथ रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ अभियान चलाइए, कहाँ चलाएंगे हम लोग। ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए अब लेडीज़ हैं, अब जेंट्स हैं, मान लो जेंट्स तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है, अब लेडीज़ लोग हैं कहाँ जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे। अब घर के अंदर बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, ये बैग मार देंगे तो आदमी मजबूर क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा। जब बाहर जाएगा तो वही पुराना काम होएगा पहले वाला, जैसे पहले था पुराने गाँवों में कि गाँव में आदमी बाहर जाया करते थे, खुले में सोच करते थे, बीमारियाँ फैलती थी, फिर वही काम होगा जी। इस करके हमारी गवर्नमेंट से ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारी समस्या का समाधान कराइए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना जी, ठीक। हमारी विनती है कि हमारी समस्या का समाधान कराया जाए, गवर्नमेंट ने अगर करना है तो पूरे को ब्लॉक करवाए ताकि उनको भी एहसास हो भी गंदगी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना जी। एक आदमी को, एक कॉलोनी वासी को परेशान करे क्या फ़ायदा उस चीज़ का, हमारा कहना यही है। बाकी हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि हमारी समस्या का समाधान करा जाए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, पानी की समस्या जो अपना ये सीवरेज की समस्या चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, देखो पहले बाहर तो कोरोना का ही वो चल रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा कोरोना की वजह से, घर पे इतनी गंदगी हो गई है, घर पे सांस नहीं लिया जा रहा, अब क्या करें, हम बड़ी मुश्किल हो रही है बच्चों के लिए भी, बीमारियां भी फैल रही है, मच्छर तो इतना हो गया है। फिलहाल जाने में कुछ दिक्कत आ रही है अभी फिलहाल जो है, पानी बता रहे पानी वो तो मतलब स्मेल से भी होने लगी है। अब हमारा तो घर दूर पड़ता है, यहाँ पास वाले तो बिल्कुल ज़्यादा ही वो हो रहे हैं, वहाँ स्मेल शुरू हो गई है, वहाँ पे होनी मच्छर इतना हो गया है, बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बहुत बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे जो हल्का हल्का सा बुखार शुरू हो गया है बच्चों को। डेंगू का प्रकोप अब जब हाल ही में जारी, हाँ वो शुरुआत हो चुका है, वो तो हो गया वो शुरुआत उसका, एकत्रित डेंगू तो पानी में करते हैं, पानी से बीमारियां तो होंगी होंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सीवरेज है वो बिल्कुल हमारे घर के आगे ही खुदा हुआ है और वहाँ सारा पानी पानी फैला हुआ है जी, सारा गंद वगैरह सारा बाहर आ रहा है, तो बच्चे आसपास भी, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, काफ़ियों को बुखार हो रहा है अभी, आप वहाँ घर उनके जाके देखो ना, 2-3 लेडीज़ को बुखार हो रहा है, ये डेंगू फैल रहा है इसके कारण, मच्छरों के कारण। अब अगर ये बंद रहेगा तो और भी जैसे जैसे वो बाहर ही निकलेगा, अंदर की चीज़ बाहर ही आएगी, तो इसलिए मीडिया के जरिए मैं प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के लिए पूरी कॉलोनी को परेशान किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, एक घर के लिए ये सारी समस्या हो रही है, तो इसके लिए, इस निजात दिलाने के लिए प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे और मीडिया भी ध्यान दे, ताकि अब किन लोगों ने जो है बंद करवाया, किस क्या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो ये अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है तो सरकार क्यों, तो फिर किसने बंद करवाया? अब किसी ने तो करवाया, ये मीडिया या प्रशासन पता करे ना किसने करवाया है। अब ये कॉलोनी जिसने करवाया है, आप एक व्यक्ति का नाम लेते हो फोन, एक किसी व्यक्ति ने करवाया है, मैं कह रही हूँ व्यक्ति का नाम नहीं, गोयल, गोयल है। हाँ ये अंकल जी बता रहे हैं ना, हम नहीं कह सकते हाँ, तो ये तो जेंट्सों को पता है, अभी हम तो बाहर जाते नहीं, तो हमारे अब जो समस्या हमारे घर के अंदर आई है, जो समस्या हमारे घर के अंदर आई है हमें तो उसका ही पता लगेगा ना। तो अब मोदी जी कहते अब जहाँ ये हमारे ये सीवर फेल हो जाएंगे तो ये बच्चे और लेडीज ये कहाँ जाएंगे। मेयर से बात करें, मेयर से भी हमारे कॉलोनी वाले गए थे, मेयर कहती हैं कि हमारे ये जो कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, तो हम नगर निगम के अंडर आती नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जिस बंदे ने ये करवाया उसका घर कौन सा भाई अप्रूव्ड में है, उसका भी इसी कॉलोनी में ही है, इसी कॉलोनी वाले ने किसी ने करवाया है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, अभी अंकल जी बता रहे थे ना, सुना गोयल,
हाँ वो गोयल, वो भी उसका घर भी यहीं पास में ही है, वो कौन सा अप्रूव्ड है? बोले एक मकान के लिए आपने पूरी कॉलोनी को परेशान किया है। गोयल से मिल लो जाके। हाँ जी जी जी, हाँ ये बताएं। जब वो गए थे रेनू गुप्ता के पास, बाला के पास है, तो उसने बोला भी मुझसे मिलो जाके, गोयल से, तो उससे आप जाके कॉम्प्रोमाइज करो भाई, वो करेगी इसका। तो गोयल का कौन सी सरकारी अप्रूव्ड है कॉलोनी कोई? कौन सी कॉलोनी है? तो उनके साथ में है, नाले के ऊपर है, उसका पानी भी तो यही आ रहा है। भगवती कॉलोनी पड़ती है, उनके भी यही पड़ती है कॉलोनी। तो प्रीतमपुरा, ये हमारे को नहीं पता कौन है गोयल, ये उधर कई मतलब इसके ये मान ले ये जो बीजेपी का ही वो बंदा है, इसी कॉलोनी का ही है, इसी कॉलोनी में रहता है। फिर मान ले एक बंदे की वजह से इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, सारे नाले का पानी बाहर निकल रहा है, देखो किस तरह बंद लगा रखे हैं, बड़ा बुरी तरह, बच्चे और बुढ़े सारे तंग ही हो रहे हैं। और ये गटर जो हमने अपने पैसे के बना रखे हैं, कोई गवर्नमेंट ने तो डलवाने रखे, चलो इसमें नाले में छोड़ दिया, सरकारी है ये, तो किसी के घर का तो है नहीं है, तो पीछे से लगे चला रहा है कहीं से भी। तो सरकार तो कह रही है स्वच्छ भारत मिशन के जो है दावे जो है पूरे चल रहे हैं, सारवा रैंक दिया गया है, तो अब यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया। तो ये देख लो ना फिर आप, ये बाहर उसका दिखाओ ना जो कर रखे है ये सारा हिसाब ना, ना तो ये देखो फिर कितनी सफाई हो रही है, कितना के कुछ हो रहा है, जो हम अपने दरवाजे अग्गा तो सफाई कर रहे हैं, तो उसमें भी ये दिक्कत आ रही है हम ना। ये तो मेरे को ये नहीं पता, मिली भगत हो रहा है क्या, हो रहा है क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपने देख लिया, आपको तस्वीरों में जैसे कि सारा दिखाया कि जो नाला है इस समय भरा हुआ है, और यहाँ पर लोग हैं यही मांग कर रहे हैं कि जो सीवरेज है इस समय, आपको बता दें जो सड़क है वहाँ पर भी इस समय जो है बदबू जो है शुरू हो चुकी है, जो इलाके की जो सड़क है गली है। और इसके अलावा लोग यही कह रहे हैं कि अगर उन सरकार को ये करना ही है क्योंकि ये बरसाती पानी के लिए है, तो उससे पहले इसका कोई हल ज़रूर निकाल देती, ताकि जो है क्योंकि अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारियां यहाँ हो सकती हैं, गंदे पानी और इस तरह से इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो फिलहाल जो है लोगों ने यहाँ प्रशासन से मिलने का भी प्रयास किया, डीसी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन फिलहाल अभी तक उनका कहना है इलाके वालों का कि कोई अभी तक नहीं आया। और जिन व्यक्ति ने इसकी शिकायत की है तो, और यहाँ पर उन व्यक्ति ने भी किस कारण से ये ऐसा किया है ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर उन्होंने लोगों का ये कहना था कि कुछ में कुछ राजनीति ज़रूर चल रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो इसके ऊपर सुध लेते हुए फिलहाल इस निकासी को खोले, और इसके लिए कोई एक अलग से जो है कोई और रास्ता निकाल कर जो है निकासी को फिर से शुरू किया जाए। तो भगवती कॉलोनी से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, और फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।